नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सेहत की बात शीतल छाया के साथ में। आज हम बात करेंगे ईसीजी के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल हार्ट अटैक के रेट्स बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और उन केसेस में डॉक्टर सबसे पहले जो चीज कराने के लिए, जो टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं, वो होता है ईसीजी। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। इस सिलसिले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे ब्लड टेस्ट एक्सपर्ट मिस्टर अजय कौशिक जी। नमस्कार जी। तो आइए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो हमारे पास है वो है कि ईसीजी टेस्ट क्या होता है? देखिए, ईसीजी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी एक दिल की धड़कन नापने के लिए या दिल का करंट नापने के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। जब भी हमारे को दिल में थोड़ा सा भी शक होता है कि हमारे को दिल में दिक्कत है, तो हम दिल का करंट नापते हैं। इस करंट नापने को ईसीजी बोला जाता है। ईसीजी टेस्ट कैसे किया जाता है? ईसीजी, जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक करंट नापने का प्रोसीजर है या टेस्ट है, बट ये पेनलेस प्रोसीजर है। इसमें क्या होता है कि हमारे दो हाथों में और दो पैरों में चार इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, मतलब कि एक तार से एक इलेक्ट्रोड लगा के हमारे दोनों हाथों में और दोनों पैरों में लगाया जाता है। और उसके अलावा हमारे यहाँ पे 6 स्लिप्स लगाए जाते हैं, जो कि हमारे पूरे दिल का करंट नाप के ईसीजी मशीन में भेजते हैं, और वहाँ से उस मशीन, जो मशीन है, वो उस करंट को नाप के और प्रिंट कर देती है। इसको ईसीजी का प्रोसीजर बोलते हैं। यह बिल्कुल सिंपल है। पूरे शरीर में इलेक्ट्रोड लगा के ना, चार दो हाथ में, दो पैर में, और उसका करंट नापा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि डॉक्टर हमें ईसीजी की सलाह कब देते हैं? देखिए, जब भी हमारे दिल में दर्द हो, दिल का मतलब हो गया, जब भी हमारे लेफ्ट साइड में दर्द हो और हमारा जो है दर्द वो हमारे हाथ से होके उंगलियों की तरफ आ रहा हो, या हमारा दिल घबरा रहा हो, हमें लग रहा हो कि हमारी धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो रही है, या हमारा बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रही हो कि हमारा मन कर रहा हो कि हम सो जाएं, हमेशा सुस्ती भरा मन रह रहा हो, हमारी धड़कन लग रहा हो कि कम हो रही हो, तो बिल्कुल डॉक्टर हमारे को ईसीजी की सलाह देते हैं। जब भी हमारी धड़कन तेज चले, धीरे चले, सुस्ती हो या दर्द हो, ईसीजी हमारे लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोसिस के लिए यूज होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा इमरजेंसी कंडीशन है और पेशेंट सेंटर पर नहीं आ सकता है, उस कंडीशन में क्या ईसीजी घर पर भी किया जा सकता है? देखिए, पहले तो ईसीजी घर पर पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मशीन्स बड़ी होती थी, बट अब टेक्नोलॉजी जैसे चेंज हो रही हैं, तो अब इमरजेंसी के लिए ईसीजी घर पर पॉसिबल है, बिकॉज अब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। और आपकी जानकारी के लिए, अभी SCD होम केयर एक सेंटर है जो कि घर पर जाके ईसीजी करते हैं। आप उनकी जो है, अगर आपको ज़रूरत है कभी भी, तो आप उनको कॉल कर सकते हैं। उनका नंबर है 9868704466। ये नंबर आप सेव कर सकते हैं, और SCD होम केयर वाले आपके घर पर जाके ईसीजी कर देंगे। तो अब ईसीजी घर पर पॉसिबल है। ईसीजी टेस्ट से हमें क्या पता चलता है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि ईसीजी हमारा एक फर्स्ट लाइन जो है डायग्नोसिस करने का तरीका है दिल के दर्द का, तो इससे सबसे पहले तो हमारी धड़कन का पता चलता है, करंट का पता चलता है कि हमारे जो दिल में कैसा करंट चल रहा है, क्या उसके जो वेव हैं उसमें कोई ब्रेकेज तो नहीं है, कोई हमारे को हार्ट अटैक तो नहीं है, कहीं हमारी धड़कन तेज तो नहीं चल रही, क्या हमारी धड़कन धीरे तो नहीं चल रही, ये सारी चीज़ें हमारे को ईसीजी से पता चल सकती हैं। तो कई पेशेंट्स ये भी सवाल पूछते हैं कि अगर हमने ईसीजी टेस्ट कराया तो हमारे हार्ट में कितना परसेंट ब्लॉकेज है, क्या हम उसका पता लगा सकते हैं? देखिए, ईसीजी एक हमारा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, डायग्नोसिस है हर्ट का, ये तो कंफर्म है, बट कितना परसेंट ब्लॉकेज है हर्ट में वो ईसीजी से पता नहीं चलता है। क्योंकि अगर ब्लॉकेज हमारे को देखना है, तो इसके लिए हमारे को ईसीजी की जगह पे इको करवाना पड़ेगा, जिसमें हमारे को एग्जैक्ट परसेंटेज ब्लॉकेज पता चलेगा। बट ईसीजी में हमारे को हर्ट डिजीज तो पता चल जाएंगी, बट कितना परसेंटेज ब्लॉक है हर्ट में वो ईसीजी में पता नहीं चल सकता। और इसी के साथ हमारे श्रोताओं ने एक और सवाल पूछा है कि अगर हमारे पास, हमारा जो पुराना ईसीजी है वो नॉर्मल आया है,
पर हमें दोबारा से दिल में दर्द हो रहा है और हमने ईसीजी रिपीट कराया, तो हमें पुरानी रिपोर्ट माननी है या अब वाली रिपोर्ट? देखिए, ईसीजी जो है हम बार बार बता रहे हैं कि आपके करंट बताता है दिल का, और वो उसी टाइम का बताता है। समझ लीजिए कि हमने एक महीना पहले या 15 दिन पहले हमने ईसीजी कराया था और वो नॉर्मल आया हुआ है, बट अभी हमारे को दोबारा से लग रहा है कि हमारे के दिल में दर्द है या हर्ट प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमारे को पुराने ईसीजी को कंसिडर नहीं करना है, हमारे को फ्रेश ईसीजी कराना है। क्यों? क्योंकि ईसीजी में जिस टाइम ईसीजी किया जाता है उस टाइम का ही करंट मेजर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने जो पुराना ईसीजी कराया होगा उसमें उस टाइम का डाटा होगा, बट अगर दर्द हमारे को दोबारा से हो रहा है और आज ही हो रहा है, तो हमारे को उसी टाइम पे अपना ईसीजी रिपीट कराना है। पुराने ईसीजी को हमने उस टाइम पे कंसिडर नहीं करना, हमने फ्रेश ईसीजी कराना है जब भी हमारे को लगे कि हमारे को दिल का दर्द हो सकता है। और इसी के साथ हमारे प्रश्नों का सिलसिला खत्म होता है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी, क्या आप हमारे श्रोताओं को कुछ टेक होम मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो बिल्कुल आपको टेक होम मैसेज दूंगा, और मैं तो आपको यही बोलूंगा कि दिल के दर्द को कभी भी हमारे को लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग है, इससे हमारी जान को खतरा पैदा हो सकता है, और जितनी जल्दी हम दिल की बीमारी को पकड़ेंगे उतनी ही जल्दी उसका इलाज हो सकेगा। तो कहीं पे भी हमारे को शक हो कि दर्द हमारे को गैस का नहीं दिल का है, तो हमारे को बिल्कुल नहीं सोचना और नजदीकी सेंटर पे जाके अपना ईसीजी कराना है। आपकी सुविधा के लिए ईसीजी की सुविधा हर जगह पे अवेलेबल है, चाहे कोई सबसे आपके पास हॉस्पिटल हो, नर्सिंग होम हो, क्लिनिक हो, डायग्नोस्टिक सेंटर हो, ईसीजी की सुविधा सब जगह अवेलेबल होती है, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। तो मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं के को उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे ब्लड टेस्ट एक्सपर्ट का कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से हमारे श्रोताओं को जवाब दिए। धन्यवाद। थैंक यू।